गली ब्यूटी पार्लर, महिलाओं के लिए सभी तरह की ब्यूटी सर्विसेज का वाजिब दामों पर समाधान। यहाँ ट्रेन स्टाफ द्वारा ब्यूटी सर्विसेज जैसे थ्रेडिंग, ब्लीच वैक्स, मिल्क वैक्स, चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स, पीका वैक्स, रोल ऑन वैक्स, सभी तरह का हेयर कट, मिनीक्योर, पेडीक्योर, सभी तरह के ब्रांडेड फेशियल्स दी जाती हैं। और इसके अलावा गली ब्यूटी पार्लर ब्राइडल मेकअप के लिए स्पेशलिस्ट है। क्लीन अप, हेयर कलर, शैम्पू, आधुनिक सुविधाएं होने के साथ साथ पार्लर पूरा वातानुकूलित है। कुछ सीमित समय के लिए कस्टमर्स को 30% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आपकी खूबसूरती को निखारने का एक मौका हमें अवश्य दें, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कली ब्यूटी पार्लर, 19 सादुल कॉलोनी, यदु बुक सेंटर के पास, बीकानेर। मोबाइल नंबर 9119254055। Are you looking for a school with quality education and spirit of sports? Then pick out St. Vivekanand Senior Secondary School, affiliated to CBSE. The best school for science, arts and commerce since 1990. Admissions open from class nursery to 12th. Excellent results in board exams and competitions like JEE Mains and NEET. Resourceful library, yoga, meditation and music class. And now, St. Vivekanand Senior Secondary School proudly announces the opening of Sports Academy. Table tennis coach, Mr. Lalit Bittu. Skating coach, Mr. Yogesh Khatri. Kudo mixed and martial art, Mr. Pritham Sen. Now learning is cool. St. Vivekanand Senior Secondary School, Murti Chauraha, 3E Jainarayan Vyas Colony, Bikaner. For more inquiry, contact 0151-223-1906 or 93514-59173. Email stvivekanand@yahoo.com. आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा सालाना 72,000 रुपया न्यूनतम आय देने की घोषणा के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बीडी कल्ला ने रखी प्रेस वार्ता। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम एक बार फिर पहुंचे, अचानक निरीक्षण करने के लिए अव्यवस्थाओं को लेकर के जताया रोष और अधिकारियों को दिए निर्देश। शीतलाष्टमी के दिन शीतलावाता मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। शीतला माता की सवारी कहे जाने वाले गर्दभ की भी की गई पूजा अर्चना। शीतलाष्टमी के दिन बीकानेर शहर में दो स्थानों पर जम्मत का हुआ आयोजन। हेलमेट चेकिंग अभियान अपने पूरे परवान पर। और विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद बच्चों के चेहरों पर रौनक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब 72,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की तो यह केवल चुनावी घोषणा के रूप में देखा गया, लेकिन राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बी डी कल्ला ने पत्रकार वार्ता करते हुए इस न्यूनतम आय योजना के माध्यम से गरीबी पर वार करने का खुलासा किया। पत्रकार वार्ता के दौरान जहां जिला शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत और देहात अध्यक्ष महेंद्र सेन भी मौजूद रहे, आइए हम आपको दिखाते हैं इस पत्रकार वार्ता के संपादित अंश जिनमें डॉक्टर बी डी कला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात बहुत गंभीरता से कही। उन्होंने कहा कि देश से गरीबी उन्मूलन के लिए यह सबसे बड़ा वार है। आइए देखें क्या कुछ कहा डॉक्टर बी डी कला ने। न्यूनतम आय योजना NYAY शुरू की है, गरीब लोगों की है, इसमें लगभग
5 करोड़ परिवार आते हैं और 5 करोड़ परिवारों में बल्कि एक सप्ताह के अंदर अंदर तीनों राज्यों में कर्जा माफ कर दिया गया। 1000 रुपये महीने से कम है ऐसे लोगों को 6000 रुपया प्रतिमा दी जाएगी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों स्थानों पर हमारी सरकारें बनेगी तो 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि इन राज्यों में 10 दिन के अंदर अंदर बल्कि एक सप्ताह के अंदर अंदर तीनों राज्यों में कर्जा माफ कर दिया गया और किसानों को इसका न्यूनतम रोजगार देश के लोगों को आवश्यक रूप से दिया। पत्रकार वार्ता के पश्चात हम आज प्रतिनिधि ने बातचीत की कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बी डी कल्ला से। न्यूनतम आय योजना की जो घोषणा की है इसके समर्थन में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों की आय 12000 रुपये प्रतिमाह से कम है उन्हें प्रतिमाह 6000 और 12 महीनों में 72000 रुपये महिला मुखिया के नाम से उनके खातों में जमा कराए जाएंगे और इससे 5 करोड़ परिवारों को और 25 करोड़ आबादी को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना एक ऐसी योजना है जो इस भारत देश की गरीबी का उन्मूलन करेगी और दुनिया में गरीबी उन्मूलन का ये सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा। जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना 100 दिन की लागू की थी उसमें 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार 100 दिन का देने का प्लान था और उसको क्रियान्वित किया गया, उसी प्रकार ये योजना इस देश में लागू होगी और गरीबी का उन्मूलन करेगी। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम एक बार फिर से अपनी कार्यशैली को लेकर लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम न केवल सार्वजनिक स्थानों पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे बल्कि उन्होंने अनेक स्थानों पर जहां निरीक्षण किया वहां पर अव्यवस्थाओं को देख करके आक्रोश भी जताया और हाथों हाथ अधिकारियों को बुलाकर वहां पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के निर्देश भी दिए। कुल मिलाकर के जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम के इस तरह की कार्यशैली लोगों को काफी भा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं मौका स्थल को जहां पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम पहुंचे और वहां पर अव्यवस्थाओं के पश्चात हाथों हाथ अधिकारियों को निर्देश दिए। होली के बाद में अष्टमी को शीतलाष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व के रूप में भी माना जाता है। बीकानेर के शीतला गेट स्थित शीतला माता के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में जहां महिलाएं पहुंचती है दर्शनों के लिए वही शीतल पानी का स्नान भी करवाती हैं। इस मौके पर वे शीतला माता के दर्शन करती हैं और मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचाने की मन्नत और प्रार्थना भी करती हैं। हम आपको लिए चलते हैं शीतला माता मंदिर के पास जहाँ पर महिलाओं ने दर्शन किए और युवकों ने भी यहाँ पर दर्शन किए। अरे
मंदिर के बाहर ही शीतला माता की सवारी कहे जाने वाले गर्दभ की पूजा अर्चना का भी इस दिन विधान है। यहाँ पर कई युवतियों ने खासतौर से उनकी सवारी गर्दभ की पूजा की। दिखाते हैं आपको इसकी झलकी। शीतलाष्टमी के दिन बीकानेर की लोक परंपराओं में दम्मतों का एक विशेष रूप देखने को मिलता है, जब शीतला गेट क्षेत्र में ही लक्ष्मीनारायण सोनगरा की पुण्य स्मृति में वी दस प्रधान रम्मत वी अमर सिंह राठौड़ की रम्मत का मंचन किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं शीतला गेट क्षेत्र में मंचित इस रम्मत की कुछ झलकियां। वहीं दूसरी ओर सोनारू की ग्वार में भी रम्मत का आयोजन होता है। हम आपको लिए चलते हैं सोनारू की ग्वार में, जहां इस विशेष दिन पर रम्मत का मंचन किया जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वी आई एन आई एफ डी द क्रैडल ऑफ डिजाइनर्स गुरुकुल बीकानेर प्रोवाइड यू विद यूनिक लर्निंग प्रोसेस। वी हैव अ ग्लोबल रीच विद 100 प्लस सेंटर्स ऑफ लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पेरिस, टोरंटो, मेलबर्न, दुबई, शिकागो, नेपाल, ढाका। हियर एट आई एन आई एफ डी वी प्रोवाइड यू 3 डिफरेंट कोर्सेज: dress designing and stitching, women, dress designing and stitching, kids, fabric augmentation techniques. We have Mr. Manish Malhotra and Mrs. Twinkle Khanna as the chief mentor of our INIFD. During Lakme Fashion Week, we INIFDians have our exclusive show in which Mr. Ashley Ribello, fashion stylist, is the mentor to our sisters in designing quality syllabus. We also organize commercial training for our students. Admissions for new session 2019 are open. INIFD, Gurukul Bikaner, first floor Lakshya Complex, near Rajvilas Hotel, Rathkhana Road, Bikaner. For more details, contact us on 8290987380. INIFD, where you are one step closer to your dream. Pihu ka sapna gymnast banne ka tha, lekin usne khud ko samjhaya ki har sapna pura thodi na hota hai. विहान क्रिकेट का दीवाना नंबर वन, लेकिन स्कूल टीम में हमेशा नंबर 12। जब बच्चों के सपने टूटते हैं तो माँ का दिल भी टूटता है, इसीलिए अपनाइए माँ को रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ, और विटामिन ए और डी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियां मजबूत।
बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाएं। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। का एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। एक बार फिर आपका स्वागत है। बीकानेर के जैन व्यास कॉलोनी स्थित सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद में बच्चों के चेहरों पर रौनक देखी गई। इस मौके पर उन्होंने अपने प्रगति पत्र हाथ में लिए रखे थे। प्रोग्रेस कार्ड के साथ में धंधे बंधे बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट देखते ही बन रही थी। आइए हम आपको लिए चलते हैं सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ इस परिसर में ही बच्चों ने अपने हाथों में अपने प्रोग्रेस कार्ड ले रखे थे। और हमारे प्रतिनिधि ने बच्चों से बातचीत भी की। फर्स्ट रैंक आई है, स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। हाँ, कुछ चीज़ें थी जैसे स्पोर्ट्स यहाँ पे काफ़ी वीक था, लेकिन धीरे धीरे अब ये सब डेवलप हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अब ये डेवलप हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम स्कूल को आगे कंटिन्यू करें। एट में। और क्या डिवीजन लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत क्या मतलब? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, पहले इतना अच्छा नहीं था जितना अब हो रहा है। मतलब अब सारा स्पोर्ट्स भी कॉर्नर बन रहा है, एजुकेशन भी अच्छी हो रही है। नर्सरी से हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है स्कूल। और यहाँ पर और भी गेम्स वगैरह में भी आप रुचि लेते हैं? आपको क्या परसेंटेज मिला? 90। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में थे पहले? फर्स्ट में। और फर्स्ट से अब किसमें आ गए? सेकंड में। वाओ, बधाई हो आपको बहुत बहुत। नाइन्थ में वो, टेंथ में आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या रिजल्ट का जो यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ की जो व्यवस्था है, उस क्या लगा आपको और क्या परसेंटेज पाई आपने? परसेंटेज तो अच्छा है। कितने परसेंट आए? 60-70। बहुत बढ़िया। क्या आपको टीचर्स का और कम यहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो कैसा लगा? अच्छा है। और बताएं कुछ, क्या मतलब यहाँ की व्यवस्था के विषय में, खेल कूद के विषय में? यहाँ पे अभी बहुत कुछ डेवलप हुआ है, सारे गेम्स और भी खिलवाएंगे और भी टीचर्स भी अच्छे हैं सारे। विवेकानंद स्कूल में आज परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद हमने अभिभावकों से की विशेष बातचीत। मेरी गुड़िया बच्ची यहाँ तो पढ़ती है, जैसे के लोग, उसका आज रिजल्ट आया और 65 समथिंग परसेंटेज मिले, जबकि मैंने उसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम डाला, फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस स्कूल के अंदर। और बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया टीचर हैं इधर, और आगे भविष्य में कामना करता हूँ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्कूल में डाले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाए। प्ले में सब में अच्छी सुविधा है और बच्चे को काफ़ी आगे भविष्य भी के लिए
अच्छा बेनिफिट मिलेगा इधर। सर ये फिफ्थ में हैं और अभी लास्ट ईयर हम जुड़े थे स्कूल से, और अब जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, सारा कलरिंग और सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा करवा रहे हैं यहाँ, और कोशिश कर रहे हैं कि और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होए, अच्छे से अच्छे बच्चाएँ और अच्छी एजुकेशन दें, कर रहे हैं कुछ अभी। बिल्कुल बढ़िया रही, और भी अभी मेरी बात हुई टीचर से, और भी और जो नई मैम आई हैं और तो वो और भी डेवलपमेंट करवाने की बहुत बहुत कोशिश कर रही है, और हमारे को आते हुए दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कलर पेंट चल रहा है अभी, और भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जो स्कूल को बेहतर बनाने की और शिक्षा को और अच्छी से अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये फिफ्थ क्लास में थी। फिफ्थ में? अच्छा, क्या परसेंटेज मिले इनको? फर्स्ट आइयर है। फर्स्ट आइयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? इंटेलिजेंट है, धीरे धीरे और भी अच्छे परसेंट लाएंगे, 90% लाएंगे। क्लास से करवाया, फर्स्ट क्लास से आप पढ़ा रहे हैं इनको यहाँ, और आगे भी ऐसे ही है कि इधर ही पढ़ाई। फर्स्ट सेकंड में आइए। क्या रिजल्ट का रहा परिणाम? A1। ग्रेड आएगा। आपने स्टार्ट से यहाँ स्कूल में डाला हुआ बच्चे को? बहुत बढ़िया लगा, शानदार है, और अभी तो रिनोवेट हो रहा है वो भी बहुत शानदार लग रहा है मेरे को तो अभी तक तो, और हो सकता है भविष्य में और अच्छा हो। स्कूल में डाले हुए, नर्सरी में थी, अब फर्स्ट एलकेजी में आई हूँ, तो सिक्स मंथ में उसने इतना कवर कर लिया कोर्स के पूरा, मतलब 98% बने एंट्रेंस में से। आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर? फर्स्ट टाइम नर्सरी में डाला है। नर्सरी में? अच्छा। और नवंबर में डाला था मैंने उसको, तो सिक्स मंथ ही में स्कूल में डाले हुए, सिक्स मंथ में उसने पूरा नर्सरी का कम्प्लीट करके अच्छा मतलब रिजल्ट दिखाया है। अच्छा पढ़ाते, बेस अच्छा तैयार कर देते हैं बच्चे का, तो मैं भी मतलब संतुष्ट हूँ, अभी तो यही रखूँगी इसको। गेम्स और खिलाते हैं, झूले वूले सब हैं, काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। इस साल इसमें टेंथ में एडमिशन करवाने के लिए आई हूँ। तो क्या कहाँ आपने देखा कि ऐसा कि स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए? ऐसा था कि इस स्कूल की स्ट्रेंथ और देखकर, इसकी रेपुटेशन देखकर मैंने ऐसे सोचा कि एक बार इसमें ट्राई करना चाहिए, और स्कूल में भी मैंने डाला है, लेकिन टीचर से बात करके ऐसा सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि हाँ ये बच्चा इसमें ग्रो कर पाए। ये दिल्ली पब्लिक में पहले थे, लेकिन उस ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि उसमें इसने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ऐसे ये था कि थोड़ा सा बच्चों को डिपेंडेंट होना चाहिए, वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं, और यहाँ खुद पर ऐसा लग रहा है कि खुद पर हो जाए ज़्यादा बेटर है। सेंट विवेकानंद स्कूल में खासतौर से इस एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ आर्मी स्कूल की तैयारियां भी करवाई जाती है। ऐसे ही एक अभिभावक गौरी शंकर डाभी ने अपने पुत्र की आर्मी स्कूल की तैयारियों पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि उनका बच्चा कुछ बड़े स्वप्न देखता है, वो डिफेंस में जाना चाहता है, लिया जा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बातचीत की, और बातचीत के दौरान जब विद्यालय प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि उन्हें कहीं सीकर या झुंझुनू भेजने की आवश्यकता नहीं, वे उसी तैयारी यहीं कराएंगे। आर्मी स्कूल परीक्षा में इस बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसे देखने के बाद अभिभावक के चेहरे पर भी प्रसन्नता थी। हमने इस मौके पर पहले बालक से की बातचीत। मुझे उसे परसेंटेज तो नहीं बताए जाते, इसमें नंबर बताए थे मेरे, इसमें से मैं सेकंड टॉपर रहा हूँ इस सैनिक स्कूल में। मैंने जब इसका एग्ज़ाम दिया, मैंने इसकी सेल्फ स्टडी की, जब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा। आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ से नर्सरी से पढ़ रहा हूँ। नर्सरी से पढ़े? यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो टीचर्स का जो पढ़ाने का जो तरीका है, यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो व्यवस्था, जो स्कूल के जो यहाँ पर सिस्टम है व्यवस्था के, वो आप क्या मानते हैं? ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, ये सब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ इतने साल, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। अब यहाँ पे जो भी रहता था, यहाँ पे रहता पढ़ता था, सारी चीज़ अच्छा, टीचर हमें अच्छी तरह समझाते थे, अच्छी तरह पढ़ाते थे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी का नतीजा आया कि आज आपका जो सिलेक्शन कहाँ हुआ है आपका? मेरा राष्ट्रीय सैनिक स्कूल में हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। बालक के पश्चात हमने इसके पिता गौरी शंकर डाभी से भी की विशेष बातचीत। शुरू में तो हमने घर में पाप के पास होने के कारण इस स्कूल में डाला, और जब देखा कि वैभव एक सपने जो है बड़े ले रखे अपने जीवन के, कि जी मुझे आर्मी में या जो है डिफेंस की सर्विस ही करनी है, तो फिर हमने यहाँ स्कूल में कंसल्ट किया, मैडम ये आगे डिफेंस में जाना चाहते हैं और उसी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार का सहयोग करेंगे? तो मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करना चाहूँगा यहाँ के प्राचार्य जो है नीति जी गुप्ता का। उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया कि सर आपके बच्चे का जितना भी सिलेबस स्कूल का है, इसके अतिरिक्त जो उस राष्ट्रीय सैनिक स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम होगा, हम उसकी भी तैयारी इस बच्चे को यहाँ करवाएंगे, और आपके बच्चे को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होने देंगे। इसके अतिरिक्त प्रथम बार ये संशय भी था कि क्या बच्चे को कोचिंग भेजना पड़ेगा, क्योंकि अनेक अनेक पेरेंट्स से, अभिभावकों से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि जी
झुंझुनू आपको भेजना पड़ेगा या कुचामन भेजना पड़ेगा या सीकर भेजना पड़ेगा, जहाँ एक वर्ष के भी लाखों रुपये, डेढ़ डेढ़ लाख रुपये तक लेते हैं और तीसरी चौथी से बच्चों को तैयारी करवाने लग जाते हैं। तो हमने कहा मैडम ऐसा कुछ है, तो मैडम ने कहा ऐसा कोई पैसा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है और हम करवाएंगे तैयारी, जिसका परिणाम आज ये हम देख रहे हैं कि यह सेकंड टॉपर वहाँ का रहा है। इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद है विवेकानंद, सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पूरा स्टाफ और साधुवाद के पात्र हैं, विशेषकर यहाँ की जो प्राचार्य हैं निधि जी गुप्ता। सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर की प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है। विद्यालय एमएससी बीएससी करिकुलम के साथ साथ बच्चों को और भी तैयारियां करवाई जाती है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का संचालन भी किया जाता है। हमने विद्यालय की सीईओ निधि गुप्ता से इस बाबत की विशेष बातचीत। बहुत अच्छा रिजल्ट है और पॉजिटिविटी बहुत है। हमने स्कूल को पूरा अपग्रेड किया है, रेनोवेशन से लेके एकेडमिक भी और स्पोर्ट्स भी, क्योंकि विदाउट स्पोर्ट्स एकेडमिक कम्प्लीट नहीं, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स के लिए स्कूल में पूरा वो बनाया है, विद कोच अवेलेबल है। 6 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है अपन ने, टीटी है, बैडमिंटन है और क्रिकेट है, स्केटिंग है, इसके अलावा पूरो मार्शल आर्ट है और बास्केटबॉल। तो जो बच्चा एकेडमिक में अच्छा है वो एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स भी एक ही जगह पे कर पाए, वो मेरा मोटिव था। इसलिए मैंने बीकानेर में, ये पहला स्कूल है जिसमें मैंने इतना स्पोर्ट्स के एकेडमिक के साथ स्पोर्ट्स का किया। और चलते चलते डालते एक नज़र आज की खास खास खबरों पर। अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा सालाना 72,000 रुपया न्यूनतम आय देने की घोषणा के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बी डी कल्ला ने रखी फैसला। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम एक बार फिर पहुंचे अचानक निरीक्षण करने के लिए। अव्यवस्थाओं को लेकर के जताया रोष और अधिकारियों को दिए निर्देश। शीतलाष्टमी के दिन शीतलावाता मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। शीतला माता की सवारी कहे जाने वाले गर्दन की भी की गई पूजा अर्चना। शीतलाष्टमी के दिन बीकानेर शहर में 2 स्थानों पर गम्मत का हुआ आयोजन। हेलमेट चेकिंग अभियान अपने पूरे परिवार पर। और विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद बच्चों के चेहरों पर रौनक। हर से पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।